तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एक एक पैराग्राफ का मीनिंग समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम विद अ डीप ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लेट्स बिगिन द वीडियो। तो भाई और बहनों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टोरी का बैकग्राउंड बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो कहानी है, यानी ये जो स्टोरी है, वो फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम की है, ठीक है। इस वॉर के बारे में आप बस इतना जान लीजिए कि ये जो वॉर था, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। इसमें जर्मनी जीत गया था और फ्रांस हार गया था, और हारने के बाद उसके दो स्टेट्स एल्सेक और लोरेन चले गए थे जर्मनी के कब्जे में। तो देखो, जब वॉर होता है ना, तो बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं कंट्रीज पे जो लड़ रहे होते हैं। तो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो दो स्टेट्स थे एल्सेक और लोरेन, उस पर क्या इफेक्ट्स पड़े इस वॉर की वजह से। So let's begin. तो अगर आपके पास एनसीईआरटी फ्लेमिंगो है, तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप उसको ओपन करके रख लें, नहीं तो फिर बीच बीच में हम स्लाइड चला देंगे एक एक पैराग्राफ के। तो ये रहा इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ आपके कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल स्क्रीन पर। तो कहानी स्टार्ट होती है बिल्कुल आम, एक आम बच्चे से, एक आम स्टूडेंट से, बिल्कुल हमारी तरह, हमारी आपकी तरह। तो क्या होता, कुछ यूं है ना, ये जो लड़का होता है जिसका नाम फ्रांस होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रांस होता है, ई जेड है, ठीक है, ई नहीं है। तो ये जो फ्रांस लड़का होता है, ये स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। मैं गारंटी करता हूँ कि आप, मतलब जितने लोग देख रहे हैं ना, उसमें से 95% लोग कभी ना कभी स्कूल के लेट हुए होंगे, ठीक है। तो कुछ उसी तरह का सिचुएशन समझ लीजिए, ये जो लड़का है ये लेट हो रहा है, ये रास्ते में जा रहा होता है। ये जो लड़का होता है फ्रांस ना, वो बहुत डरा हुआ होता है। देखो क्या होता है, उसके टीचर जो होते हैं मिस्टर हैमल, एम हैमल, तो वो इन लोग का पार्टिसिपल का टेस्ट लेने वाले होते हैं, ठीक है। और ये जो फ्रांस होता है, एज यूजुअल इसने कुछ पढ़ाई नहीं की होती है, इसको पार्टिसिपल का एक सिंगल वर्ड भी नहीं आता है। ये बहुत डरा हुआ होता है कि आज पता नहीं क्या होगा, आज पता नहीं टीचर क्या पूछ लेंगे हमसे, ठीक है। जैसे डर होता है ना हमारे, हम लोग के अंदर, वैसे डर इस फ्रांस के अंदर था। तो अब ये रास्ते में जा रहा होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, एक तो पहले ही बंदा लेट है, ऊपर से इसका टेस्ट होने वाला है। अब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है कि क्यों ना स्कूल बंक किया जाए, स्कूल जाते ही या छुट्टी मार लेते हैं। तो ये ख्याल इसके दिमाग में भी आता है। तो अब ये सोचता है छुट्टी मारना ठीक रहेगा। तब तक इसका ध्यान पड़ता है, जब ये रास्ते में होता है ना, ये स्कूल, ये सब जो चल रहा है, ये स्कूल जाते जाते सोच रहा है ना। तो स्कूल रास्ते में जा रहा है, उसको दिख रहा है बर्ड्स हैं, वो चर्पिंग कर रहे हैं, मतलब कि चहचहा रहे हैं। और मैदानों में जो सोल्जर्स होते हैं, वो ड्रिल्स कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। अब क्योंकि ये वॉर का टाइम है, तो ये बहुत यूजुअल था वहाँ पे, ठीक है। मतलब वॉर के टाइम्स में परेड वगैरह बहुत यूजुअल रहते हैं, जो कि वहाँ पे ग्राउंड में चल रहा था, ओके। तो ये सब इसको बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बहुत इसको अट्रैक्ट करते हैं। तो यही सब कारण थे कि ये सोचता क्यों ना स्कूल को बंक किया जाए, ओके। उसके बाद ये लास्ट में कहता ना कि आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट ऑल दिस एंड आई वेंट ऑफ टू द स्कूल हरिडली। मतलब ये कहता है ना कि मेरे अंदर वो ताकत थी कि मैं इन सब ख्यालों को दबा सकूं और हिम्मत जुटाऊं और स्कूल जाऊं, ठीक है। तो अब ये रहा सेकंड पैराग्राफ आपके स्क्रीन पर। तो अब ये स्कूल की तरफ आगे जाता होता है, तभी रास्ते में उसको दिखता है कि बहुत सारे लोग, मतलब जैसे ये टाउन हॉल को क्रॉस करता है, बस ये देखता है ना, ये COC वाला टाउन हॉल नहीं है, ओके। तो जैसे वो टाउन हॉल को क्रॉस करता है, तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग झुंड बनाकर क्राउड में, मीन्स सीज दैट अ क्राउड ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब यहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड है ना, इसका मतलब नोटिस बोर्ड होता है, जो आपके स्कूल्स वगैरह में होता है, मतलब वही बुलेटिन बोर्ड को नोटिस बोर्ड बोलते हैं, ओके। सो देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है कि जो वॉर, एक तो वॉर चल रही थी, तो जितनी भी बुरी खबर होती थी ना, मतलब एज मैंने बताया स्टार्टिंग में कि फ्रांस हार गया था, मतलब फ्रांस जो कंट्री थी वो हार गई थी। तो ये फ्रांस के दो स्टेट्स ऐसे लोग थे, मतलब क्योंकि वो हार रहे थे वॉर ना, तो जितनी भी बुरी खबरें थी, जैसे कोई मार्टियर्स, कोई सोल्जर मार्टियर हो जाता था, या फिर कोई कमांडेड, मतलब एक्सपायर कर जाता, तो उस तरह की न्यूज़ पर जितनी बुरी खबर थी, कोई डिस्ट्रिक्ट हार जाते थे वो लोग, जितनी बुरी खबर थी ना, वो इसी बुलेटिन बोर्ड जाती थी। तो अब ये सोचता है कि भाई अब क्या हो गया, अब कौन सी बुरी खबर आ गई। फिर यह था कि भाई अभी तो वैसे ही लेट हुआ था, तो अभी जल्दी जल्दी में फिर आगे बढ़ने लगता है। तो ये रहा थर्ड और फोर्थ पैरा। अब वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो अब वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट करता है, मतलब बहुत तेज़ी से चलता है, जैसे समझो कि लिटरली दौड़ रहा था वो, ठीक है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ब्लैक स्मिथ वॉचर, जो कि अपने अप्रेंटाइस, यानी चेले, मतलब हिंदी में चेले चपटे होते हैं ना, मतलब जैसे कि जिसको वो सिखा रहा हो उसको अप्रेंटाइस बोलते हैं, और ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार,
ब्लैकस्मिथ यानी लोहार, गोल्डस्मिथ होता है, गोल्डस्मिथ होता है ना सुनार जिसको बोलते हैं, वैसे ही ब्लैकस्मिथ यानी लोहार। तो जो गोल्डस्मिथ, अरे सॉरी, जो ब्लैकस्मिथ वॉचर होता है ना अपने अप्रेंटाइज के साथ खड़ा होता है और वो इससे कहता है, क्या कहता है, तो वो इससे कहता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल रीच गोल्ड ऑन टाइम। मतलब कहता है ये आराम से जाओ, ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ, तुम आराम से स्कूल पहुँच जाओगे। अब ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये सोचता है कि यार ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, उसको इस तरीके से लगता है ना, क्योंकि एक आयरनी टाइप क्रिएट हो जाती है ना कि वो एक तो लेट होता है और वो उससे वॉचर कहता है कि तुम आराम से स्कूल पहुँच जाओगे, तो उसको लगता है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। और फिर वो दौड़ते हुए पहुँच जाता है MML के, यानी जो टीचर होता है, जो स्कूल होता है, स्कूल के गार्डन में। तो अब ये स्कूल के गार्डन में पहुँच चुका होता है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है ना, स्कूलों की हालत आपसे मुझसे बेटर कोई नहीं जाता, ठीक है। जितना शोर हम लोग मचाते हैं स्कूल में, मतलब डेस्क पटक रहे हैं, तो कभी टीचर डंडे से मार रहा है डेस्क पे, बुक पटक रहे हैं, मतलब इतना शोर होता है ना, कभी ना कभी आपके टीचर्स ने मतलब कंपेयर किया होगा फिश मार्केट से, ठीक है। एनीवेज, तो ऐसा कुछ सीन रहता था यूजुअली, ठीक है। और उसी के बीच में इतना सब जब शोर शराब होता था, बीच में धीरे से ये फ्रांस घुस जाया करता था, जब वो यूजुअली लेट हुआ करता था, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा शोर हुआ है और ये बीच में घुस गया। लेकिन जब आज ये जाता है स्कूल, ये देखता है, मतलब जब गार्डन में होता है, तो ये देखता है कि पूरा स्कूल एकदम शांत था, एकदम क्वाइट, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जो बोलता है ना, वैसा था। अब ये सोचता है क्या संडे तो नहीं है, ये तो एकदम संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा है, मतलब संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा है कि कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है, ठीक है। इसको लगता है कि ये संडे मॉर्निंग की तरह लगता है, ठीक है। अब उसके बाद खिड़की से वो झाँकते हैं, जैसे यूजुअली सब करते हैं, पहले खिड़की से झाँकते हैं जिस क्लास में क्या हो रहा है ना, तो खिड़की से ये झाँकता है, तो देखता क्या है कि सारे बच्चे जो हैं वो अपने अपने बेंचेस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और MML जो है वो एक लंबी सी आयरन रॉड लेकर के अपने आर्म्स के अंदर दबा करके चल रहा है ऊपर नीचे, मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो प्लेटफॉर्म नहीं होता, थोड़ा सा ऊँचा प्लेटफॉर्म होता है, तो उसी पर ऊपर नीचे वो MML कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखो, डेली तो शोर शराब होता था, बीच में फटाक से घुस जाते थे, लेकिन आज जो पूरा शांति का माहौल था, तो अब इनको डोर खोलना पड़ा। उसके बाद सबके सामने, सब शांति से बैठे, ठीक है, और सबके सामने परमिशन लेकर के आना पड़ रहा है। इमेजिन कर सकते हो कितना ये बेचारा शर्मा आ गया था, मतलब कितना इसको बुरा लग रहा था, ओके, ऐसा कुछ। अब नेक्स्ट कह रहा, तो अब इसको लगता है कि भाई तो आज तो मैं गया, आज तो डांट पड़ने वाली है, ठीक है, आज तो जो टीचर है वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही अंदर जाता है तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, उसके टीचर ने बड़े प्यार से बोला, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसके टीचर ने बड़े प्यार से बोला, क्या बोला, गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। वो बोलता है, मतलब वो जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि अपने बेंच पे, अपने डेस्क पे जाओ फ्रेंड्स, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, मतलब समझ सकते हो, पहले तो डर हुआ था कि कहीं डांट वाट ना दे, तो उसी पे वो बोलने के जाओ बेटा अपनी सीट पे बैठो।